कारा साहब, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया, और ये एक बड़ा ही, वो जो सेट जिस पे वो बैठे हुए थे, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, दूसरी तरफ अपनी जमात का झंडा, और दरमियान में से बाकायदा ऐसे लग रहा था कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद का खिताब है। लेकिन उस खिताब में एक तो उनका लहजा कुछ थोड़ा सा जो है वो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी इंतकाम तो मैंने अल्लाह पे छोड़ा था लेकिन हिसाब लूंगा। ये एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। दूसरा वो कहते हैं कि चलो जो मेरे साथ तो किया सो किया, मुल्क के साथ क्यों खराबी की, लेकिन फिर वो 16 महीने का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी कहती है कि जी पीडीएम को अपना हिस्सा मानना चाहिए, जो उनके हिस्से में था वो उसके जवाब दें, जो हमारे हिस्से में था हम उसके जवाब दें, और जो अवाम की इस वक्त परेशानी है वो टोटली पीएमएलएन उसकी जिम्मेदार है। कंवर ज़मान कायरा साहब, सच्ची खुशी तब हासिल होगी जब अवाम को बेल मिलेगी। और उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में, मुझे डाला, मैं और भी जेल में रह सकता था। बाकी बातें आपने सुन ली, जरा प्लीज इस पर कमेंट कर दें सर। देखिए, उनकी अपनी राय है, मियाँ साहब का एक नुकता नजर है। पहली बात तो यह है कि हम पहले ही कह रहे हैं ना कि मियाँ साहब तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं लोगों के सामने है, और इस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो तो बातें ही इस मुल्क के हुक्मरान के तौर पे कर रहे हैं। बहरहाल ये उनकी राय है, उनका तरीकाकार है। लेकिन जमीन सवाल ये है कि मियाँ साहब कहते हैं मैं इंतकाम नहीं लूंगा और मैं हिसाब लूंगा, तो इंतकाम हिसाब के जरिए ही होता है, और तो कोई जरिया नहीं होता। लट उठा के तो कोई किसी के पीछे नहीं चलता। अगर किसी ने गलती की है तो उसने भी कानूनी जराए या सरकारी ऑफिस को ही इस्तेमाल किया। और कल अगर मियाँ साहब किसी से हिसाब लेते हैं तो जो उनको सजा हो, या किसी को अगर पकड़ेंगे या उसके खिलाफ कोई, तो यही होते हैं और इंतकामी रवैये, और क्या हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो इंतकाम देंगे, लेकिन वो एक ही वक्त में दो बातें कह रहे हैं। रही बात कि मेरा क्या नुकसान हुआ, बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि कोई ऐसा फैसला कर देती है पुलिस, किसी को पकड़ के जेल में डाल देती है, वो बंदा जेल में चला जाता है, और उसके बाद 4-6 महीने बाद पता चलता है कि वो तो कत्ल के केस में था लेकिन वो बरी हो गया, क्योंकि उसको गलत शामिल किया गया था, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो तो बेगुनाह था। तो फिर क्या पुलिस को उसका हिसाब देना होगा इस मुल्क के अंदर आइंदा कि आपने पकड़ा क्यों था इसको, या जिन लोगों ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे? क्या इस तरह का कोई कानून नया बनाने की कोशिश है? मुझे नहीं पता। लेकिन उनको क्लैरिटी के साथ ये बात करनी चाहिए, और किसी तरह का भी ये जो हिसाबी किताबी अमल है ना, ये हिसाबी करने चले थे या पूछने ही चले थे ना जनरल मुशर्रफ से, और उसके बाद फिर क्या हो गया? हमें देखना होगा कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, गिरदोनवा के हालात क्या हैं, दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है, इस वक्त आलम पाकिस्तान को किस नजर से देख रहा है और क्या करना चाह रहा है हमारे लिए। हमें ये बातें देखने की जरूरत है। और ये ठीक है कि माजी में जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनका हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन वो हिसाब किताब अदालती केस या पर्चे करके को पकड़ के जेलों में सजा देने के, मेरा ख्याल है जो रास्ता बीबी शहीद ने दिया था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का, मेरे ख्याल शायद वो मुनासिब और बेहतर रास्ता है, वो वही बेहतर रास्ता है। हम कायरा साहब, एक चीज उन्होंने एक और बात की कि मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं करता हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं, और वो जब हिसाब मांग रहे हैं तो फिर उसमें हमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, वो हिसाब फिर लेकर रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। देखिए, ये तो खैर डिपेंड करता है पाकिस्तान की, ये जो बात मैं कहने लगा हूँ ये लोग उसको मेरी कमजोरी और पता नहीं क्या क्या माने बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक तारीख है, तो इसके लिए तरीकाकार जो है, रास्ता जो है, उसके ऊपर इख्तलाफ जरूर मौजूद है, इस प्रिंसिपल पे किसी को इख्तलाफ नहीं। सही कारा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगले रोज पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए एक बिल्कुल एक नया लहजा हमें सुनाई दिया, जो उनके जलसों में था, जिस तरह वो अटैक कर रहे थे कि एक लाडला है, एक बाकायदा फुल तौर, फिर मुझे बताया जा रहा है, मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप केपी में क्यों कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ पे तो चीज़ें तय हो चुकी हुई हैं, और फिर वो उनका एक बड़ा शदीद रद्द अमल भी था उस पर। लेकिन कल हमने उनको सुना कि वो फरमा रहे थे कि जनाब हमको अब
अपनी पुरानी रवायतें छोड़कर, एक दूसरे की टांगें खींचना छोड़कर, अपनी अना को दफन कर कर आगे की तरफ देखना है। और बेसिकली ये जरदारी साहब ने बहुत पहले भी ये बात की थी जब जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला है वो तो यही है कि आपने अवाम को रिलीफ कैसे देना है। देखिए, अवाम को रिलीफ शॉर्टकट कोई नहीं है। अवाम को रिलीफ के लिए एक बेटर गवर्नेंस चाहिए और एक लंबा रास्ता है। ये चंद महीनों के अंदर कोई रिलीफ नहीं आ जाना, कोई टर्न अराउंड नहीं हो जानी, ये जादूगरी किसी के पास नहीं है। हाँ, पहले पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, आईन के मुताबिक हुकूमत बने, अवाम बेहतर लोगों का चुनाव करें और उसके नतीजे में लोगों को अपनी बनने वाली हुकूमत पे एतमाद हो। वो मुश्किल फैसले करने होंगे। अगली हुकूमत बहुत मुश्किल मुश्किल वक्त में आएगी, उसको बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा और उनको मुश्किल फैसले करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि यकीनन जावेद साहब ने जो कहा वो दुरुस्त बात है कि हमें माजी के रवैयों को छोड़ना होगा, हमें पाकिस्तान की तरफ देखना होगा ना। देखे ना, इस वक्त बेपनाह मसाइल है, हम आपस में एक तनाव है, इदारा जाती तनाव है, पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो गिर रहा है, इंपोर्ट और स्मगलिंग ने हमारी बर्बादी की हुई है, पाकिस्तान का पैसा ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस सारे अमल को रोकने के लिए गवर्नेंस से रोकना है ना, सिर्फ ताकत ने तो नहीं। सही, बिल्कुल सही। तो उसका तरीकाकार यही है, मेरी नजर में तो यह है कि फौरी तौर पर फेयर फ्री इलेक्शन करा के, क्योंकि इलेक्शन के जरिए तश्कील पाने वाली हुकूमत बेसिकली इन मसाइल का हल है। इन मसाइल को हल करने के बाद वो हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं होगी। सही कायरा साहब, तलखियां खत्म करनी चाहिए, टांगे नहीं खींचनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात नहीं। लेकिन पॉपुलर जो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का है, और अभी जो इस लास्ट वीक जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर क्लोज हुआ उसमें तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि अब वो महंगाई का जो रुझान है वो रुक ही नहीं रहा, और आवाम इसी से परेशान है। और उनका यह ख्याल है कि जो 16 महीने की जो कारकर्दगी थी जिसमें आप लोग भी शामिल थे, उसकी वजह से अभी तक ये उनके सर से ये बिला टल नहीं रही महंगाई की। अब बात ये है कि ये एक मिसपरसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है सर। ये भी मीडिया के अंदर भी कुछ इस तरह की डिबेट्स होती हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी ये बातें करते हैं, सियासी जमातों ने भी हमारी मुखालफत में ये बातें कही। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो रही थी और हमने उसको एनहांस करने की कोशिश की तो क्या हुई कि नहीं? कर्ज हमने लिए थे, कर्ज ना लेते तो पाकिस्तान क्या डिफॉल्ट कर जाता कि नहीं? अगर कर जाता तो हमारे पास क्या ऑप्शन था? अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी और हमने तेल की कीमतें बढ़ाई और उसके नतीजे में पावर सेक्टर के अंदर भी कीमतें बढ़ी, तो ये बातें तो अपनी जगह है ना कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन तो और कोई नहीं थे। अब सवाल यह है कि जी आपको थेफ्ट रोकनी है गैस की, बिजली की, आपको स्मगलिंग रोकनी है, आपको ये सारे अमल तो फौरी तौर पे नहीं हो पाएंगे। आपको लाइन लॉसेज कम करने पड़ेंगे, आपको बिजली के रेट कम करने के लिए आपको जो फैसिलिटीज लोगों को दी हुई है विड्रॉ करनी पड़ेंगी, तो ये कोई पलक झपकते में तो नहीं हो जाएगा। सही